गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए फरियादियों को किया आश्वस्त। कहा, धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। 500 फरियादियों से मिले सीएम योगी, सभी को समस्या के निस्तारण का दिया भरोसा। उन्नवल में बाईपास और नगर पंचायत भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार। दिवाली पर्व के मद्देनजर मिठाइयों में मिलावट को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खोआ मंडी में की गई छापेमारी। जांच के लिए लिया गया 27 नमूना। अभी तक 3 दुकानों पर की गई कार्रवाई। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा, छापेमारी आगे भी रहेगी जारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में नहीं ले रहे हैं रुचि। 20 अक्टूबर तक सभी बीएलओ परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन फार्म को एसडीएम के कार्यालय में करा दे जमा, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के ऊपर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा, जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका होती जा रही है चुनौतीपूर्ण। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना नहीं है आसान। दो शातिर वाहन चोरों अंगद गोस्वामी और संजय जायसवाल को उरुआ बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। केजीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने कहा, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी में है चुनौती। स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के बताए उपायों को अपनाने की है आवश्यकता। फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले ही बाजार सजकर हो गए हैं तैयार। बर्तन व्यापारियों और ज्वेलर्स ने रखे हैं नई किस्म के आइटम। बर्तन और सर्राफा व्यापारियों ने कहा, डिस्काउंट और लकी ड्रॉ कूपन से कस्टमरों को मिलेगा स्पेशल ऑफर। जनपद में तेजी से कम हो रहा है राप्ती व घाघरा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित गांव में दिवाली तक पानी कम होने की व्यक्त की जा रही है संभावना। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद है प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए खजाना खुला हुआ है। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई फरियादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इस भरोसे से बहुत संबल मिला। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान कई फरियादियों के इलाज संबंधी समस्या को सीएम योगी ने पूरी संवेदनशीलता से सुना और समझा। उनकी या उनके परिजनों की बीमारी और चल रहे इलाज की जानकारी ली। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कर शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने फरियादियों से कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें, सरकार इलाज के लिए भरपूर धन देगी, कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अपनी माता के साथ आए एक बालक से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी ली कि उस बालक का हाथ कैसे जल गया था। आगे सावधानी से रहने की सीख देते हुए उन्होंने उसकी माता को निश्चिंत करते हुए कहा कि परेशान मत हो, उसका इलाज सरकार कराएगी।
दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 500 लोगों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद चलकर गए, इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना और आश्वस्त किया कि हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पुलिस से संबंधित समस्याओं को पुलिस अधिकारियों को तथा राजस्व से संबंधित समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों को संदर्भित करते हुए यथाशीघ्र संतुष्टिपरक और निष्पक्ष निस्तारण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में अपने परिजनों के साथ आए बच्चों को भी मुख्यमंत्री ने खूब दुलारा, उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और चॉकलेट के साथ खूब पढ़ने आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। जनता दर्शन में फरियादियों से मिलने के पूर्व उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। जनता दर्शन में बिहार की एक महिला रोजगार की फरियाद लेकर आई थी। मुख्यमंत्री ने उसकी समस्या सुनते हुए कहा कि क्या बिहार में काम नहीं मिल पा रहा है। महिला द्वारा नहीं जवाब दिए जाने पर सीएम योगी ने कहा कि काम तो वहां भी मिलना चाहिए, पर यदि वहां नहीं मिल रहा है तो काम की व्यवस्था हम यही कराएंगे। इसको बनवा के मेरे पास भेजो जी, हम दिलाएंगे पैसा, ठीक है ना। उसको चार बड़े स्कूल पढ़ते हो रे, कौन कहाँ से पढ़ते हो, कैसे हाथ जल गया, तो थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। अच्छा अभी से करवा दो उसको उपचार, ठीक है ना। एस्टिमेट बनवा के पैसा भिजवाएंगे, उससे करवा दो। क्या बात है, बैठ जाना आप, आराम से बैठ के अपनी बात बताओ क्या है। अभी देखो कार्रवाई करो, स्कूल पढ़ते हो, स्कूल नहीं जाते हो, क्या बात है, इसको पकड़ो। आप बिहार के रहने वाले हैं तो वहाँ पे बिहार में आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ मिलना चाहिए ना। कहीं देखो जी, कहीं कोई काम धाम करें, यहाँ काम तो यहाँ ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आप बताएं क्या बात है, कहाँ का मामला है, क्या है, जमीन को तीन देवर है सब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त होगा, इसका दायित्व जनप्रतिनिधियों व प्रशासन का है। आवश्यकता इस बात की भी है कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जागरूक होकर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। सीएम योगी बुधवार को कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल में 20 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बने 3.5 किलोमीटर लंबे बाईपास एवं 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत वाले नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है, विकास में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब नगर पंचायतों का गठन किया जा रहा था तो जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक कस्बा संग्रामपुर उनवल को उस समय प्रदेश की पहली नगर पंचायत के रूप में गठित किया गया। इस नगर पंचायत के अपने भवन के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए। इस नगर पंचायत में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4168 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 2692 आवास पूर्ण हो चुके हैं। यहां 329 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना की सुविधा मिली है, जबकि 750 लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय योजना का लाभ मिला है। साथ ही साथ सामुदायिक व एक पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है। इस नगर पंचायत में 338 पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन तथा 152 निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उनवल को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ ही लोगों की आवागमन की सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाईपास भी बनवाया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करते हुए कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य के साथ ही क्षेत्र की पहचान से जुड़ी होती है। गांव कस्बा गंदा रहेगा तो लोगों की धारणा ठीक नहीं रहेगी, जबकि साफ सफाई दिखने पर लोग तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर घर घर शौचालय की सुविधा दी, साफ सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलने लगे। स्वच्छ भारत मिशन सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साफ सफाई पर दिए गए विशेष ध्यान के चलते ही इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़े समाप्ति की ओर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पूर्व जन सहभागिता से हर मोहल्ले वार्ड नगर को साफ सुथरा बनाने का कार्य होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि नगरीय कूड़ा प्रबंधन अभी भी चुनौती बना हुआ है, इसके लिए नगर पंचायतें कम खर्च में बेहतरीन मॉडल बना सकती हैं। नगरीय कूड़े को अभी से व्यवस्थित करने पर कार्य करना होगा, अन्यथा कूड़े के ढेर बीमारियों के कारण बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सफाई व कूड़ा प्रबंधन की कार्य योजना बनाकर नगर पंचायतों में कस्बा संग्रामपुर नंबर एक बन सकता है, अभी यह तीसरे पायदान पर है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग ना करें, यह कार्य समाज पर उपकार के समान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, हर पीड़ित को राहत सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जन हानि पर सरकार की पूरी संवेदना है और प्रभावित परिवार को शीघ्र ही मुआवजा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा फसलों व अन्य क्षति के मुआवजे के लिए भी आकलन कराया जा रहा है। लोकार्पण समारोह में सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि जो लोग पहले खुद को गोरखपुर की बजाय नॉर्थ का बताते थे, सीएम योगी के नेतृत्व में आए अद्भुत बदलाव से अब गोरखपुरिया कहने में गर्व की अनुभूति करते हैं। पहले अपराध के कारण गोरखपुर की पहचान ईस्ट शिकागो की थी, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी पहचान कानून व्यवस्था विकास निवेश के पसंदीदा स्थल के रूप में है। स्वागत संबोधन सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल तथा नगर पंचायत उनवल के चेयरमैन उमा शंकर निषाद ने किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, चिल्लोपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, पूर्व विधायक देव नारायण उर्फ GM सिंह, भाजपा के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, मार्कंडेय राय, रामपाल सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के नगर पंचायत भवन का फीता काटकर लोकार्पण करने से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने भवन में बने अध्यक्ष कक्ष, मीटिंग हॉल व अन्य कमरों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। समारोह के दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने दो बच्चों का अन्नप्राशन कराकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लोकार्पण समारोह के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM आवास योजना के लाभार्थियों श्रीमती साधना सलीमुन पानमती देवी को आवास की प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही सीएम के हाथों PM स्वनिधि योजना के तहत शुभम गुप्त, धीरज गौड़ व हेमंत कुमार को ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा ज्ञानेंद्र व रामू मौर्य को आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी सफाई कर्मी प्रभुनाथ को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उनवल के नगर पंचायत अध्यक्ष उमा शंकर निषाद ने कहा, हार लेकर के लड़ने में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जी जगह किसान की गोली बंदूक भैया चलावे, सादर प्रणाम माननीय सांसद गोरखपुर महोदय, स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की परि, आप यहाँ पर नगर पंचायत भवन के सम्मानित जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा मंच पर विराजमान आप अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उरवल नगर पंचायत में महाराज जी के आशीर्वाद से नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। नगर पंचायत में जो नंगे पोल पे तार लगे हुए हैं वो शीघ्र ही दीपावली के बाद केबल लगने का काम चालू होने वाला है और महाराज जी के आशीर्वाद से भी जो भी अधूरे काम हैं शीघ्र ही
करने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। कुछ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े सहजनों आप विधानसभा का तमाम संभालने को दिया, मैं महाराज जी को विश्वास दिलाता हूं कि लखनऊ से जो भी योजना चल के आएगी सरकार के द्वारा तक पहुंचाने का कार्य आपका यह कार्यकर्ता करेगा। महाराज जी का मैं अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सभी जनता को। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर, हमने के अद्भुत मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कैसे कौन मुख्यमंत्री अद्भुत ही साथी चलते भैया हो कि हम जब अभी सड़किया से आवत रहे तो इस सड़क के हम अपने चुनाव में भी देख ले रहे, तो बड़ा बुरी सड़क थी, तो पूज्य महाराज के चरणों में चंदन वंदन अभिवंदन कि महाराज जी इतनी छोटी छोटी सोच कि शहर तो महाराज जी बना ही देलन लेकिन गांव देहात उन्वल के भी, आज जैसे कि अभी हमारे माननीय विधायक जी का इतना सुंदर भाषण रहे, कुल बिनवा देलन सीएससी पीएससी से लेके पूरा बच्चा लोग कैसे पढ़ रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहा है, और ये उन्वल में गीडा आज सहजनवा में आ गया और नोएडा की तरह लाखों लोगों को रोजगार के लिए अनगिनत विदेश की कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है इसी गोरखपुर में। ये गोरखपुर जिसको लोगों ने एक इंग्लिश में कहावत थी कि पहले इसको हम बंबई में थे तो पढ़ते थे ईस्टर्न शिकागो कहते थे, ईस्टर्न शिकागो जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है अमेरिका में एक जगह है, तो गोरखपुर को जब हम लोग बंबई में रहते थे तो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं पढ़ते थे ईस्टर्न शिकागो एक जमाने में इसका नाम था जब पिछली सरकारें यहाँ चलती थी, बड़ा गौर से ध्यान दिया तो हम बताई कह तो आज हमारे महाराज जी के बहुत आज दीपावली का तोहफा लेके इन्हें कालो तोहफा देलन आजो ऐसा भव्य इमारत और नगर पूरा एकर एकर नगर पंचायत बन गई और नगर पंचायत जो वो गांव देहात रहे वो कस्बा बना के 4000 मकान जैसे हमारे विधायक जी बताए। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, प्रदीप शुक्ल जी जितना अभी बढ़िया बोलना और बहुत बढ़िया नेता के रूप में उभर गई ना महाराज जी के आशीर्वाद से, सजनवा श्री विमलेश पासवान जी ना मिलन लेकिन उनका भी स्वागत, युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री अजय सिंह गौतम जी जिला प्रभारी गोरखपुर, उमाशंकर निषाद जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति और महाराज जी के विशेष पर कृपा है कि देखिए आज वो अध्यक्ष के रूप में उभर के आए जहाँ पर लोग समझ रहे हैं आप लोग ही महाराज जी वाला, ऐसे व्यक्ति को महाराज जी ऐसे उठा लेना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, जो एक कर्मठ कार्य करता है, यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रूप, वही रूप भारतीय जनता पार्टी का आखिरी पंक्ति में कार्यकर्ता को महाराज जी नोट करते थे कि 20 साल से प्रदीप शुक्ला जी दौड़ रहे हैं, कभी मांगा नहीं उनसे कुछ, ऐसे कार्यकर्ता के खोजलन महाराज जी, तो आप लोग भी समझ रहे हो जितने बैठे हो सब लोग दांत चियार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर हर महादेव। तो शीतल पांडे बाबा ना आई ना, देव नारायण सिंह जीएम सिंह जी बहुत जीएम साहब बैठे हैं पीछे, अश्विनी त्रिपाठी जी स्वागत आपका बहुत अच्छा, बहुत बड़े नेता हमारे चुनाव में एकदम बहुत हमारी सेवा की है, हमको चोखा भात खिलाते रहे, मार्कंडे राय जी प्रभारी नगर पंचायत उमल, श्री छोटेलाल मौर्य जी आए हैं जिला उपाध्यक्ष, श्री राम प्रकाश चौरसिया जी मंडल अध्यक्ष उन्वल, श्री रामपाल सिंह जी भाजपा नेता और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पद वाले जितने पद में बैठे हैं और माई बहन बाबा बच्चा लोग सब लोग उन्वल के सब लोगों के दीपावली की शुभकामना, मुझे महाराज जी एजा आयल बढ़त और हम चाहे हमारे महाराज जी खातिर को गड़गड़ा के ताली होके के चाही खातिर, जैसे कि कल से एक वीडियो वायरल हुआ है कि गर्व से कहो हम गोरखपुरिया है, गर्व से कहो हम पूरा आवाज आए के चाहिए पूरा भारत सुन रहा है, बोलिए गर्व से कहो हम गोरखपुरिया है, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, कहे कि जब हम बंबई में रह शूटिंग में तो हम गोरखपुर वाला केहू भेटा जात रहन के, हम बोले कहाँ गांव पड़ी हो, हम लोग हमेशा पूछते हैं भोजपुरी या कोनो जवान मिल जाए कि कहाँ घर पड़ी होता, तो हमेशा कहते हैं हम नॉर्थ के हैं,
हम हर के नॉर्थ के, हम नॉर्थ का होला, तो बड़ा रोग आके खत्म बोले गोरखपुर के, बोले कहा छिपाओ ताड़ा हो, कहे कि इतना क्राइम होता था, इतनी हत्याएं होती थी, इतना लूट खसोट होता था, पिछली सरकार में जौन जौन होते रहे वो केवल से छिपल ना पा। अभी पार्षद का चुनाव आ रहा है, आप लोग अपनी गली को देखिएगा, जो हमारा पार्षद है नहीं है, हमारी विचारधारा का नहीं, महाराज जी ने सबको दिया, योजनाएं सब तक गई, लेकिन कुछ सपा की मानसिकता के पार्षद रहे, कुछ लोग जो हमारे पास भी सांसद के रूप में कंप्लेंट आता है कि हमारे गली में काम नहीं होता हो, हमारे गली में नाली रोक ले वाड़न, हमारे गली में सीवर रोक ले वाड़न, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये सपा की मानसिकता। भाई जब महाराज जी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की योजनाएं एक रूप में आती है तो पूरे एक एक जनता के लिए आती है, किसी ने वोट दिया किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन महाराज जी की सोच बा कि सबको मिलना चाहिए। अभी आप लोगों के सोचे के बाद आपकी गली का अगर वो पार्षद रहा, आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का, आपके गांव का जौन भी रहे, वो ना जितवले भारतीय जनता पार्टी का ना बा पार्षद, ले काम नहीं करवाओ तो ओकर गलती बा, उस पार्षद की गलती है। महाराज जी ने तो सारी योजनाएं धरती पर दे दी, यहां पर उतार के नगर पंचायत की इतनी बड़ी इमारत हो गई भाई, तब ये लोग अपनी बदमाशी अपनी मानसिकता नहीं हो, भाजपा के बाड़न महाराज जी के मुख्यमंत्री के भाजपा के फायदा हुई, हमके नहीं वोट मिली, जात बिरादरी के नाम पे आपके गली को सड़ाए, आपके जीवन को कीड़ा मकौड़ा मच्छर डेंगू बीमारी कुल वो पार्षद आपको पाल के देता है, जनता के लगे के पड़ी हमारे काम, अरे हमारे महाराज जी का इतना योजना बाबू, इतना करोड़ों खरबों रुपया यहाँ उतरा, खाली जाके गिनवाना मिला, सीवर बना ली, नाली बना ली, खनंजा बना ली, सड़किया बनाता ही बन, ये किसने दिया, बस यही हर घर में जाना, हर द्वार को खटखटाना, एक एक आदमी कर रहे हैं, जब दिशा दशा बदल दिए हैं तो महाराज जी चाहते हैं कि हमारे सारे पार्षद हों, ताकि ईमानदारी से सच्चाई से महाराज जी द्वारा योजनाएं राज्य सरकार। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ बटन दबा करके तालियां बजे जोरदार 20.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उनवल बाईपास से निर्मित नगर पंचायत उनवल कार्यालय का लोकार्पण एवं शीर्ष पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्यमंत्री जी वापर कमलों से सलीमन जी अपने आवास की चाबी एवं कमल के महोदय वार्तालाप करते हैं अपने कर कमलों से छोटी बच्चे से संरक्षा तत्पश्चात पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी पीएम स्वनिधि से शुभम गुप्ता जी शुभम गुप्ता के पास से पीएम स्वनिधि का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए धीरज गौर जी को हम आमंत्रित करेंगे कि आप मंच पर आएं के पुत्र वार्ड नंबर 12 सुनारी टोला से इसके पश्चात के मनहिया टोला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसके पश्चात एवं रामू मौर्य जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे हम उत्कृष्ट कर्मचारी क्षेत्रों में तृतीय स्थान सर्वेक्षण कार्यक्रम में इन कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रभुनाथ जी एवं साथ अखिलेश जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मिठाई एवं उत्साह वर्धन करते हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात यह भारत माता की भारत माता की कस्बा संग्रामपुर यानी उनवल के इस नगर पंचायत के कार्यालय भवन और यहाँ के बाईपास के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी अजय सिंह गौतम जी
नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर पुनवल के अध्यक्ष उमाशंकर निषाद जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण उर्फ जी एन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अश्वनी त्रिपाठी जी, मार्कंडे राय जी, छोटे लाल मौर्य जी, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश चौरसिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री हरि बाबू, रामपाल सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, दीपावली के पूर्व कस्बा संग्रामपुर को अपना कार्यालय भवन और बाईपास का उपहार मिला है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इसकी भी कामना करता हूं। कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर का सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में से एक हुआ करती थी। जब 2017 में नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रदेश के अंदर कस्बा संग्रामपुर को नगर पंचायत के रूप में गठन किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उस समय श्री उमाशंकर सानी को यहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बना करके नगर पंचायत के विकास की अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबने किया है। मैं इसके लिए पूरे उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर के आप सभी भाइयों बहनों को और आसपास के गांवों के सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत गठन होने के साथ ही आप सब जानते हैं कि जिस समय यह गठन हुआ था ये 29 जून 2017 का दिन था और उस समय यहां फिर कर्मचारी दिए गए, धनराशि स्वीकृत हुई जिसमें यहां के नगर पंचायत भवन के लिए 2,12,00,000 रुपए और नगर पंचायत के विभिन्न कार्यों के विकास के लिए 12,85,00,000 रुपए स्वीकृत हुए। मुझे प्रसन्नता है आज जब मैंने यहाँ पर देखा है कि अकेले कस्बा संग्रामपुर में नगर पंचायत बनने के बाद 4,168 गरीबों को एक एक आवास मिला है और आवास का लाभ भी कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की। इनमें से अब तक 2,692 मकान पूर्ण हो चुके हैं और बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ठेला खोंचा लगाने वाले लोगों के लिए भी 329 ऐसे लोगों को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। स्वच्छ भारत मिशन में 750 लोगों को शौचालय भी प्राप्त हुआ है और 7 सामुदायिक शौचालय की संख्या, 1 सार्वजनिक शौचालय, 1 पिंक शौचालय की व्यवस्था भी यहां पर हुई। इस नगर पंचायत में वर्तमान में 338 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 152 को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ भी यहां प्राप्त हो रहा है। आज विकास
की इन सभी प्रक्रियाओं के साथ आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आया हूं, क्योंकि 2009 में कस्बा संग्रामपुर गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का भाग बना था। और हरिबाबू हैं, चाहे वह शिव कुमार है, उमा शंकर सानी है, या यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता थे, ये सभी लोग तब से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए जब प्रदेश के अंदर पहली नगर पंचायत बनानी थी तो हम लोगों ने इसी कस्बे को, इसी गांव को नगर पंचायत बनाया, और आज आपने देखा होगा नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ का विकास प्रारंभ हुआ। यहां पर 20 करोड़ रुपए की लागत से यहां का बाईपास का निर्माण भी हो गया है, गरीबों को आवास भी मिल रहे हैं, विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी अब यहां पर प्रारंभ हो चुका है। एक बात जिस पर हमें ध्यान देनी होगी, एक हम सब जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया का लाभ हमें प्राप्त हो यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और चुने गए जनप्रतिनिधि बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचाए। लेकिन शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन शासन की योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे, लेकिन साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हम सबको मिलकर के करना होगा। भाइयों बहनों, स्वच्छता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कस्बे की पहचान से, हमारे गांव की पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर गांव या कस्बा गंदा होगा, लोगों की धारणा हमारे बारे में भी गलत होगी, लोग कहेंगे देखे साहब कितने गंदे लोग हैं। अगर हमारा गांव और हमारा कस्बा साफ सुथरा होगा, लोगों की धारणा भी हमारे प्रति बदलेगी। और इसीलिए स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाए रखने के साथ ही जिन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, उन लोगों के घर में एक एक शौचालय भी उपलब्ध कराना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ जुड़कर के आगे बढ़ाने के कार्य हुए हैं, और ये कार्यक्रम बखूबी आगे बढ़ रहे हैं। सफलता की नई ऊंचाइयों को, गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थी, आज स्वच्छता के कारण बहुत सारी बीमारियां स्वतः समाप्त हो रही। इंसेफ्लाइटिस आप देख रहे होंगे, पहले हजारों मौतें होती थी, अब मौत के आंकड़े एकदम समाप्ति की ओर है, क्योंकि लोगों ने स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, उसके परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। लेकिन अभी भी नगरीय कूड़ा प्रबंधन एक चैलेंज बना हुआ है, और ये नई नगर पंचायत है, मैं अभी से नगर पंचायत से कहूंगा कि वे जिला प्रशासन के साथ बैठ करके, जिला प्रशासन भी नगर पंचायत के साथ बैठ करके कूड़ा प्रबंधन के कार्य को अभी से व्यवस्थित करें, नहीं तो कूड़े का ढेर लग जाएगा और फिर उसके ऊपर चील कौवे मंडराते हुए दिखाई देंगे, बीमारियों के कारण बनेंगे। अभी से कूड़ा प्रबंधन का बेहतरीन कार्य हमें अभी से प्रारंभ करना होगा, कम खर्चे में बेहतरीन मॉडल खड़े हो सकते हैं, और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे तो आपकी नगर पंचायत अभी तो प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर पर है, और कस्बा संग्रामपुर को नंबर एक पर आना चाहिए, यह आपके सामने चैलेंज होगा, और इस दिशा में आप सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, आज के दिन पर विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा आ जाए उसका सही इस्तेमाल हो जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है, और इसलिए नागरिक जिम्मेदारी वहीं पर प्रारंभ होती है। विकास कार्य के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए,
नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों के छोटे मोटी समस्या का समाधान तो तत्काल होना चाहिए। प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए प्लास्टिक को जो शासन ने रोक लगाई है, हमारे कस्बे में भी कहीं कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये हम सब अगर अपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार हमारे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज पर होगा। अभी हाल ही में बहुत सारी बारिश हुई, अतिवृष्टि के कारण काफी जनधन की हानि हुई, फसलें खराब हुई। हमने उन फसलों का आकलन करने के लिए भी प्रशासन से कहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जिन लोगों को जनधन की हानि हुई उसमें सरकार आपकी पीड़ा के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करती है और हर प्रभावित परिवार को उसका उचित मुआवजा देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर बहुत शीघ्र किया जाएगा। विकास के प्रति हम सब जागरूक हों। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, दीपावली के पहले हम अपने घरों की लिपाई पोताई करते हैं। हमारा प्रयास हो, हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, हमें अपने मोहल्ले, अपने वार्ड, अपने नगर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा नगर निकाय भी साफ सुथरा बने, सब जगह लोगों को इस सुविधा दिखाई दे, इसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं, विकास कार्य के लिए पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आएगी, पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको आज दीपावली के पूर्व नगर पंचायत का अपने स्वयं के कार्यालय और जो बहुत प्रतीक्षित मांग आप लोगों की थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, कस्बा संग्रामपुर से जो भी मेरे पास आता था और मुझसे कहता था एक बाईपास बन जाता, और आज मुझे प्रसन्नता है यहां का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहां पर भेज सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मैं उनवल नगर पंचायत वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ 2017-18 में मुख्यमंत्री जब पहली बार बने थे महाराज जी, पहली कैबिनेट बैठक में पहला नगर पंचायत की घोषणा किया था उन्होंने जी। बहुत अच्छा लग रहा, नगर पंचायत में दिवाली जैसा माहौल बना हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिवाली को देखते हुए खुआम मंडी में छापेमारी की गई, जिसके संबंध में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त गुंजन कुमार ने बताया कि दिवाली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सामग्रियों के जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, जो कि सदर तहसील के क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की जांच कर रही है। बुधवार को खुआ मंडी में खो की जांच की गई है, जिसमें 27 नमूना लिया गया है और आगे भी दिवाली तक कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोगों का अधिकतर प्रयास रंगीन मिठाइयों पर है, क्योंकि अधिकतर लोग मिठाइयों में मिलावट करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो खिलौना टाइप मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें रंग का मिलावट होता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस तरह की मिठाइयां मार्केट में ना बेची जाएं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की मिठाइयां जहां बिकती हैं तुरंत खाद्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने बताया कि अभी तक 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई है, आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त कुंजन कुमार ने कहा, बाकी
कि पानी फट नहीं है तो पानी भैया ठंडा है ठंडा ठंडा चला इसे मम्मी का पूरा मेरा इसे नहीं नहीं चला दिया और मेरा से आओ तो तुम जा नाम अपना बताइए, अपना नाम बताइए। चार लोग हैं। हाँ, चार लोग। मकान नंबर जी, ये दिवाली अभियान के मद्देनज़र तीन टीमें हमारे विभाग द्वारा बनाई गई हैं और जो विभिन्न स्थलों पे नगर निगम क्षेत्रों में और तहसील क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी के मद्देनज़र दिवाली के अभियान में खोआ मंडी में आज कार्रवाई हुई है। अभी तक हम लोगों ने 17 नमूने लिए हैं और आगे भी कार्रवाई अभी चलती रहेगी और इसमें हम लोग ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं कि रंगीन जो मिठाइयाँ हैं उन पर हमारी विशेष निगरानी है। वर्क लगे जैसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चांदी की वर्क एल्युमिनियम का लगा दिया जाता है चांदी की वर्क पे, इस पर भी हम लोग काफ़ी निगरानी की जा रही है। दूसरा जो खेल बतासे जो आते हैं जो रंग बच्चों के खिलौने टाइप में होते हैं वो रंगीन ना हो, इस पर भी हमारी विभाग काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई है क्योंकि जो कलर होते फूड हुए कलर फूड पदार्थ जो है ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है और इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में ना बिके। और लोगों से हम ये भी अपील करते हैं कि इस तरह के खाद पदार्थ जहाँ मिल रहे हों उसको विभाग को सूचित करें जिससे हम उस पर कार्रवाई कर सकें। सर कितनी दुकानों पर कार्रवाई की है? अभी हमने कम से कम 23 दुकानों पर अभी हमने कार्रवाई कराई है। दो दिन अभी अभियान हुआ है, अभी आगे भी अभियान चलता रहेगा और आशा कर रहे हैं कि अभी इस बार कभी बड़ी मात्रा में हम लोग और भी कार्रवाई करेंगे। सर देखा जाता है दूध के साथ मिलावटी दूध में मिलावटी। जी, उसको क्या नाम है? जैसे हमारे पूर्वांचल में जो अभी तक हम लोग जो नमूने हमारे यहाँ संकलित हुए हैं दूध में कोई विशेष मिलावट नहीं है। हाँ, यहाँ पे पानी की उसमें मात्रा रहती है, फैट कम रहता है। इसके अलावा किसी प्रकार का सिंथेटिक दूध का यहाँ पे कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और हम लोग लगातार अभी हमने 16 नमूने दूध के इसी महीने हमने लिए हैं विभिन्न दूध वालों से और ब्रांडेड कंपनियों से। तो दूध में ऐसा विशेष कोई अभी हम लोग के पास कोई प्रकरण अज्ञान में नहीं आया है आगे, लेकिन कार्रवाई इस पर हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। दीपावली के पूर्व सर चीनी का मिठाई आता है जो जी भुरकी, वो जो हमने आपसे बताया कि खील बतासे वाले जो होते हैं वो रंगीन जो बिक रहे हैं उस पर हमारी बहुत अच्छी वो है। हम लोगों ने इस पर विशेष एक कार्ययोजना भी बनाई है कि इस तरह के जहाँ भी बिक रहे हों जो उसके साथ बिकते हैं लाई के साथ उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना बिके क्योंकि उसमें रंग जो है अखाद रंग मिला दिए जाते हैं जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हित कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्य के लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है, इसलिए सभी पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ को निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन के दौरान प्राप्त परिवर्धन संशोधन एवं अब मार्जिन फार्म के निस्तारण के बाद वार्ड बार मतदान स्थल तैयार की गई परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन की सूची 20 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से एसडीएम के कार्यालय में जमा करा दें, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा जिसके लिए बीएलओ व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा,
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी एसडीएम साहबान, सभी तहसीलदार साहबान, सभी ईओ साहबान की बैठक आमंत्रित की गई है। इसमें नगर निगम के अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल 20 अक्टूबर है, लास्ट डेट है। कल तक आपको सभी बीएलओ को अपनी अपनी पांडुलिपियां बना करके जमा कर देनी है। जैसा कि नियम है, अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित भी किया है कि 31 अक्टूबर तक हमें ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली पब्लिश कर देनी है और 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच इसमें आपको दावे और आपत्तियां लेनी है। तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, अगर कोई बीएलओ कार्य नहीं कर रहा है तो आप उस बीएलओ के विरुद्ध, अगर वो कल पांडुलिपि नहीं जमा करता है, काम नहीं कर रहा है, तो उस बीएलओ के विरुद्ध आप एफआईआर करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अभिषेक सिंह पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी भैरवपुर काली मंदिर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त अभिषेक सिंह द्वारा कैंट क्षेत्र में भिन्न भिन्न तिथियों में चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित की गई हैं, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उपरोक्त गैंग सदस्य द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं व आर्थिक लाभ के लिए चोरी व नकबजनी की घटनाएं कारित की जा रही थी तथा जिनका समाज में भय व्याप्त है। इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त अभिषेक सिंह वांछित था, जो दोबारा अपराध कारित करने के लिए पिलर्स स्कूल पर असलहे के साथ मौजूद था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राकेश यादव, चंद्राकर यादव शामिल रहे। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए फरियादियों को किया आश्वस्त, कहा धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। 500 फरियादियों से मिले सीएम योगी, सभी को समस्या के निस्तारण का दिया भरोसा। उन्नवल में बाईपास और नगर पंचायत भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण, कहा विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार। दिवाली पर्व के मद्देनजर मिठाइयों में मिलावट को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खोआ मंडी में की गई छापेमारी, जांच के लिए लिया गया 27 नमूना, अभी तक 3 दुकानों पर की गई कार्रवाई, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा छापेमारी आगे भी रहेगी जारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, कहा बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में नहीं ले रहे हैं रुचि, 20 अक्टूबर तक सभी बीएलओ परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन फार्म को एसडीएम के कार्यालय में करा दे जमा, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के ऊपर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका होती जा रही है चुनौतीपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना नहीं है आसान। दो शातिर वाहन चोरों अंगद गोस्वामी और संजय जायसवाल को उरुआ बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल।
महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। केजीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने कहा, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी में है चुनौती। स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के बताए उपायों को अपनाने की है आवश्यकता। फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले ही बाजार सजकर हो गए हैं तैयार। बर्तन व्यापारियों और ज्वेलर्स ने रखे हैं नई किस्म के आइटम। बर्तन और सराफा व्यापारियों ने कहा, डिस्काउंट और लकी ड्रॉ कूपन से कस्टमरों को मिलेगा स्पेशल ऑफर। चनपद में तेजी से कम हो रहा है राप्ती व घाघरा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित गांव में दिवाली तक पानी कम होने की व्यक्त की जा रही है संभावना। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र रहे। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया, जिसके संबंध में संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा कि जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका आज चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना आसान नहीं है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में आज मीडिया आम जनता के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन लाने का कार्य करती है, उसी से लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण होता है। वहीं सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दे पाती हैं। उन्होंने कहा कि आज विवेकानंद के विचारों से पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है, या मीडिया की ही देन है। वैश्विक विचारों से लोगों को जोड़ने एवं लाभान्वित करने का कार्य मीडिया द्वारा ही हो रहा है। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मीडिया हमारे राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए रक्त संचार की तरह है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं आम जनता की आवाज बनकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। वैश्विक स्तर पर संचार क्रांति ने मीडिया के विभिन्न रूप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा है। इससे एक ऐसे तंत्र का विकास हुआ है जो मानवीय सभ्यता के विकास को सर्वोच्च स्तर पर ले जाता है, लेकिन इस तंत्र ने मीडिया को चुनौती भी दी है। अब स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से जनसंचार माध्यमों को कार्य करना जोखिम भरा कार्य हो गया है। इसका निर्वाह करने वाले लोग लोकतंत्र के वास्तविक प्रहरी हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर राम प्रसाद यादव, विकास पाठक, डॉक्टर सुनील सिंह, संतोष त्रिपाठी, अंकित सिंह, अंकित पांडे सहित शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, निर्माण में मीडिया की भूमिका मीडिया के लोगों को बताने में थोड़ा सा संकोच हो रहा कि ये तो सब लोग हमसे हमको पहुंचने से पहले हमारे रिपोर्टर को पहुंचने से पहले ये सारे लोग वहाँ मौजूद रहते हैं जहाँ हमको जाना हो। बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं ये फोटोग्राफर्स भी हैं इसमें और एक दो गणमान्य पत्रकार भी हैं उपस्थित सभागार में। लेक्चरर और प्रोफेसर सहित जो भी लोग हैं जो अध्ययन और अध्यापन में व्यस्त हैं उनकी दिनचर्या में बाबा गोरखनाथ, दिग्विजय नाथ, अवैध नाथ, इन सबकी कृपा ऊपर बरसती रहे और इसी प्रकार के आयोजन कर मीडिया के उत्साह का संवर्धन करते रहे। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका आप सब लोग जानते हैं, विचारों के आदान प्रदान की भूमिका है। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन प्रणाली ये तय करती है कि किसको कब कैसे वोट देना है। जैसे आपने देखा होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण के विज्ञापन सूचना विभाग से निरंतर प्रकाशित होते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव का आगाज हुआ है
12 नवंबर शायद चुनाव की तिथि है और 8 दिसंबर को उसके परिणाम आएंगे। इस चुनाव की प्रक्रिया के आरंभ होने से परिणाम आने तक के बीच की अवधि में जितना सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो सब मीडिया के माध्यम से होता है। मीडिया ही वह स्रोत है जो बतलाता है कि आज नए मतदाता हिमाचल प्रदेश में 69,781 बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? इन्हीं सूचनाओं की वजह से, जो आप सूचना ये आपका सूची प्रकाशित करते हैं पुनरीक्षण सूची, इसमें फॉर्म 15, 16, 17, 18 विभिन्न उद्देश्यों से है। और ये आज से ही नहीं, आजादी के दौर में भी जिस समय जनमत का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वातंत्र चेतना को विकसित करना था, उस समय भी मीडिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय जनमत के निर्माण में और उसको राष्ट्रीयता से कनेक्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। उन समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के चुंबकीय प्रभाव के कारण जिस तरह से राष्ट्रीयता का ज्वार खड़ा हुआ, उसको देख करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से अखबारों पर औपनिवेशिक अंकुश लगाने का भी प्रयास हुआ। आपने मराठा और केसरी तिलक के अखबारों के प्रभाव को भी देखा और तिलक को मांडले जेल में अपने अखबारों के माध्यम से लेखन के द्वारा कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी, जहां पे कारावास झेलते हुए उन्होंने गीता रहस्य नामक एक अद्भुत पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ करके लिखी। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान जनमत निर्माण के ही उद्देश्य से पब्लिक ओपिनियन नाम से ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, वंदे मातरम, इंकलाब और युगांतर जैसे तमाम क्रांतिकारी समाचार पत्रों के माध्यम से इस देश के अंदर क्रांतिकारी चेतना विकसित करने के बड़े उद्देश्य को लेकर के क्रांतिकारियों ने भी समाचार पत्रों का प्रयोग किया था। दुनिया में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित नेपोलियन कहता था कि मैं हजारों तलवार से नहीं डरता हूं, लेकिन एक अखबार से डरता हूं। और मीडिया की इसी बहुआयामी भूमिका को लेकर के इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम जानते हैं, हम समझते हैं। आज का ये कार्यक्रम जनपद में जितने भी मीडिया कर्मी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, उनके अभिनंदन का कार्यक्रम था। और एक विशिष्ट व्याख्यान जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पे व्याख्यान भी था। इसमें जितने भी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं, सबके संपादक, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, सभी लोग उपस्थित थे। महाविद्यालय के तरफ से हम इनका अभिनंदन किए, क्योंकि हम जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं महाविद्यालय के स्तर पे, उसका सकारात्मक संदेश इनके सहयोग से ही समाज के अंदर जाता है, जिससे महाविद्यालय की छवि में एक सकारात्मक वृद्धि होती है। तो इनके प्रति कृतज्ञता भाव अपना प्रकट करने के उद्देश्य से इनका अभिनंदन आवश्यक था और उसी निमित्त आज का ये कार्यक्रम आयोजित था। उरवा बाजार थाने की पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में उरवा बाजार थाना प्रभारी सुनील निषाद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को तरैना पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अंगद गोस्वामी पुत्र दयाशंकर गोस्वामी निवासी ग्राम निवास थाना गोला जनपद गोरखपुर, दूसरा संजय जायसवाल पुत्र रामचंद्र जायसवाल निवासी ग्राम खुटभार थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। उरवा बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उरवा बाजार थाना प्रभारी सुनील कुमार, उप निरीक्षक रवि चौधरी, रवि सेन यादव, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह, कांस्टेबल सचिन यादव, राम प्रवेश चौहान शामिल रहे।
आज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने कहा कि जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी के लिए चुनौती है। आज बीमारियों से होने वाली मौतों में 70% जीवन शैली पर आधारित बीमारियों के चलते हो रही है। आज के दौर में स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के द्वारा उपायों पर अमल करते हुए ऋतुचर्या दिनचर्या के अनुरूप स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर भट्ट महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में 7वें आयुर्वेद पर्व पर धन्वंतरी जयंती साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत बुधवार को महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने महर्षि वाग्भट के जीवन व उनके कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि महर्षि वाग्भट महान ज्ञानी महर्षि चरक के शिष्य थे। आयुर्वेद के सभी 8 अंगों का सारगर्भित वर्णन करने का श्रेय महर्षि वाग्भट को जाता है। उन्होंने अष्टांग हृदय के अलावा आयुर्वेद के अनेक अनमोल ग्रंथों की रचना की। अष्टांग हृदय में ही आज भी अति लोकप्रिय पंचकर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। दीर्घ जीवन पाने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए महर्षि वाग्भट ने त्रिदोषों की साम्यावस्था को ही स्वास्थ्य बताया। उनका जोर बीमारी को ठीक करने के साथ स्वास्थ्य रक्षा पर भी रहा। प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि वाग्भट के अनुसार वैद्य, औषधि, परिचारक व मरीज चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। ये चारों ठीक हो तो चिकित्सा समग्रता में सफल होती है। वाग्भट 10 विध पापों की भी चर्चा करते हैं जो सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वाग्भट का मानना था कि 85% व्याधियां को ठीक करने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग के समन्वय से जीवन शैली को प्रबंधित किया जा सकता है। नियमित सूर्य नमस्कार व योग के सामान्य आसनों का प्रभाव कोई व्यक्ति कुछ ही दिन में महसूस कर सकता है। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि आज के दौर में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा को साथ साथ चलना चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि छात्र आयुर्वेद की अपार संभावनाओं को जाने, उसके अनुसंधान से जुड़े। आयुर्वेद के छात्रों को संस्कृत भाषा को गहराई से जानना चाहिए, तभी वे आयुर्वेद को सार्थक ज्ञान हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में व्यवहार परक शिक्षण व्यवस्था व संसाधनों की तारीफ करते हुए कहा कि यह आयुर्वेद कॉलेज बहुत जल्द ही उत्तर भारत का सर्वोत्कृष्ट संस्थान होगा। व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि महर्षि वाग्भट द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर मानव समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने सारगर्भित और सहज व्याख्यान के लिए प्रोफेसर MLB भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर DS अजीता, डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्मा आदि की सहभागिता रही। धन्वंतरी व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दीक्षा जानवी राय, प्रिंस साक्षी सिंह निधि ने की, जबकि मंच संचालन वैभव दुबे ने किया। आयुर्वेद पर्व एवं धन्वंतरी पर्व साप्ताहिक समारोह के ही अंतर्गत बुधवार को गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर के छात्रों व अन्य ग्रामीणों में आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का वितरण कर इन पौधों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शालिनी त्रिपाठी ने आयुर्वेद कॉलेज की इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना की। जनपद में अभी से ही फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले बाजार सजकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि महानगर में बर्तन की दुकान और ज्वेलरी की दुकानों पर इस दिवाली में नई किस्म के आइटम रखे गए हैं, जिसके संबंध में बर्तन दुकानदार रोहित गुप्ता ने बताया कि दुकान पर कस्टमर आ रहे हैं, अभी केवल सामान के बारे में बस जानकारियां ले रहे हैं, अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा उम्मीद है कि इस धनतेरस में लोग अच्छी खरीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि दिवाली में स्टील, पीतल, तांबा, फूल के बर्तन उपलब्ध हैं। फूल और तांबे के बर्तन की ज्यादा डिमांड है। उन्होंने कहा कि बर्तन मुंबई, मुरादाबाद, हाथरस, हापुर, चेन्नई से मंगाया जाता है। वही सर्राफा व्यवसायी संजय अग्रवाल ने बताया कि इस दिवाली में सोने का रेट 3000 प्रति 10 ग्राम के करीब कम हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर इस दिवाली में ज्यादा उत्साहित हैं, जिसकी वजह से ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ चल रही है और धनतेरस दीपावली में ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी सेल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चांदी और डायमंड कस्टमर की ज्यादा डिमांड है। वहीं वैभव सर्राफ ने बताया कि इस दिवाली पर
चांदी और सोने का दाम काफी घटा हुआ है तो ग्राहक हर वैरायटी के सामान खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं में ज्यादातर डायमंड ज्वेलरी की डिमांड है। कस्टमर की ज्यादातर डिमांड 25 से 50,000 तक के रिंग, मंगलसूत्र, चेन और 1 से 2 लाख तक के डायमंड की भी मांग है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली में स्पेशल ऑफर भी चलाए जा रहे हैं जिसमें 20% डिस्काउंट है और हर 50,000 की खरीद पर लकी ड्रा के लिए कूपन दिया जा रहा है जिसके साथ बलेनो कार तक जीतने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दिवाली में हमारी शॉप में सबसे ज्यादा यूनिक सोने की गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि दिवाली और धनतेरस में लोग जमकर खरीदारी करेंगे, पूरा विश्वास है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बर्तन व्यापारी रोहित कुमार गुप्ता एवं सर्राफा व्यापारी संजय अग्रवाल तथा वैभव सर्राफ ने कहा Thank you.
रोहित कुमार गुप्ता, कहाँ पे आपकी दुकान? टाउन हॉल स्टील कॉर्नर। क्या दिवाली का पर्व है, क्या कस्टमर आ रहे हैं बर्तन पूछने के लिए? तो आ ही रहे हैं अभी, बाकी जानकारी ले रहे हैं कस्टमर उसके बाद। और खरीदने के लिए? खरीदने की तो अभी ऐसा कुछ बाज़ार में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि इस बार खरीदारी अच्छे तरीके से लोग करेंगे। कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर आ रहे हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, बाकी जानकारियाँ ले रहे हैं। किस तरह के बर्तन आपके पास है? स्टील से लेके फूल पीतल बर्तन सारे बर्तन हैं। क्या दिवाली में कुछ खास नया है? फूल के बर्तन और तांबे के बर्तनों की डिमांड कुछ ज़्यादा है, और स्टील के बर्तन तो शुरू से ही चले आ रहे हैं अपने प्रचलन में, जिसमें कि कस्टमर की उमंग और त्यौहार को देखते हुए। अधिकतर बर्तन कहाँ से आते हैं? अधिकतर बर्तन हम लोगों का मुंबई, मुरादाबाद, हाथरस, हापुड़, अहमदाबाद, चेन्नई से आते हैं। मेरा नाम संजय अग्रवाल है, मेरी परंपरा जेम्सन ज्वेल्स गुड़घर में ज्वेलरी की शॉप है। सबसे पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को, देशवासियों, प्रदेशवासियों को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये दिवाली ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ज्वेलरी का मार्केट में सोने का रेट लगभग 3000 रुपये 6 महीने में गिर गया, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं बहुत उत्साहित हैं, और उत्साहित होकर लगातार हम लोग के यहाँ अच्छी भीड़ चल रही है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। धनतेरस दिवाली भी हम लोग को बहुत अच्छा सेल होने की हम लोग को संभावना है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन की हुई है। जगह जगह से जो स्टॉक हैं वो मंगाया गया है। और आजकल अगर हम बात करें तो चांदी की ज्वेलरी भी बहुत डिमांड में है, डायमंड की ज्वेलरी डिमांड में, और सोने की ज्वेलरी की बात करें तो एंटीक ज्वेलरी बहुत डिमांड में। साथ साथ जो ज्वेलरी का, चूँकि आजकल ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हैवी लुक रहे और लाइट वेट रहे, मतलब देखने में काफ़ी बड़ी ज्वेलरी रहे और लेकिन उसका वजन कम हो, इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और हम लोग का तो लगातार बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोरखपुर को कि इस इतना अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस न्यूज़ चैनल को जिन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सराफ है और मैं आशीर्वाद जेम्सन ज्वेल्स में डायरेक्टर हूँ। मेरी तरफ से गोरखपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसमें दिवाली में क्या खास है कस्टमर के लिए? जी, जैसे दिवाली पे इस बार सोने का भाव काफ़ी घटा हुआ है, चांदी का दाम भी काफ़ी गिरा हुआ है, तो इसमें ग्राहक हर तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा धूम से ख़रीद रहे हैं, एंटीक वैरायटी, टेंपल वैरायटी। हम लोग ने इस बार सोने में भी गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मंगवाई है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। टेंपल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग ने देखी है, खास करके युवाओं में डायमंड की बहुत अच्छी डिमांड आई है। ज़्यादातर डिमांड जो आ रही है वो डायमंड ज्वेलरी की आ रही है, रिंग्स, इयररिंग्स, मंगलसूत्र 25,000 से 50,000 की रेंज वाले, नेकलेस 1.5 लाख से 2 लाख में डायमंड के, बहुत अच्छी डिमांड है इनकी। हम लोग के यहाँ पे इस समय स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 20% डिस्काउंट है मेकिंग चार्जेस पे, डायमंड के दाम पे 20% डिस्काउंट है, और हर 50,000 की खरीद पे लकी ड्रॉ के लिए हम लोग कूपन भी दे रहे हैं जिसमें 7 बलिनों जीतने का मौका है। सर, क्या है इस दिवाली में, क्या यूनिक है सबसे अलग? जी, इस बार हम लोगों ने जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बनवाई है सोने में बनवाई है, नॉर्मली चांदी में होती है, सोने में बनवाई है, वो एकदम यूनिक है, छोटी सी है, आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, सेफ है एकदम वो वाली, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। जनपद में राप्तीवा घाघरा नदी का पानी तेजी से कम हो रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्तीवा घाघरा नदी का जलस्तर कम हो रहा है और जिन गांवों में अभी पानी है
तीन दिनों के अंदर वहां से पानी घट जाएगा और लोगों को आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नदियां खतरे के निशान पर हैं वह दिवाली तक खतरे के निशान से नीचे आ जाएंगी और गांव से पानी निकल जाएगा। तब लेखपालों द्वारा फसलों की क्षति का आकलन किया जाएगा और सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा तहसील सहजनवा कैंपरगंज में राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है और जहां कहीं भी राहत सामग्री का वितरण बचा है वहां पर एसडीएम के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बाढ़ बड़हलगंज तहसील में है, वहां पर लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही नदियाँ अब उतार पर हैं और मेरा अनुमान है कि जो गांव अभी भी मैरूंड हैं, अर्थात जिन गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी आ गया है, वो अगले 2 से 3 दिन में मैरूंड की श्रेणी में नहीं रहेंगे, अर्थात वहाँ आने जाने का मार्ग से पानी हट जाएगा। और मेरा अनुमान है कि दीपावली तक आते आते नदियाँ जो अभी कहीं कहीं डेंजर लेवल पे हैं भी, वो काफ़ी नीचे पहुँच जाएंगी। गाँवों से पानी काफ़ी कुछ बाहर निकलने की स्थिति में होगा और उसी समय से हम लोग जो फसलें हैं जिनकी क्षति हुई है, लेखपाल उनका सर्वे करेंगे और जिन जिन प्लॉटों में क्षति हुई होगी उनको मुआवजा दिलवाएंगे। सर, राहत सामग्री, राहत सामग्री ऑलमोस्ट कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा, कई तहसीलों में जितना वितरण होना था लगभग पूर्ण हो गया है। कहीं छुटपुट अगर बाकी होगा तो उसको एसडीएम साहबान वितरित कराएंगे। जो सबसे बड़ा एरिया जो हमारा पानी से प्रभावित था, बाढ़ से प्रभावित था, वो बड़हलगंज है। बड़हलगंज में अभी भी 2 से 4 दिन का समय लगेगा कि हम वितरण का संपूर्ण कार्य पूर्ण कर पाएंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए फरियादियों को किया आश्वस्त। कहा, धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। 500 फरियादियों से मिले सीएम योगी, सभी को समस्या के निस्तारण का दिया भरोसा। उन्नवल में बाईपास और नगर पंचायत भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार।
दिवाली पर्व के मद्देनजर मिठाइयों में मिलावट को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खोआ मंडी में की गई छापेमारी, जांच के लिए लिया गया 27 नमूना, अभी तक 3 दुकानों पर की गई कार्रवाई। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा छापेमारी आगे भी रहेगी जारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में नहीं ले रहे हैं रुचि, 20 अक्टूबर तक सभी बीएलओ परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन फार्म को एसडीएम के कार्यालय में करा दे जमा, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के ऊपर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका होती जा रही है चुनौतीपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना नहीं है आसान। दो शातिर वाहन चोरों अंगद गोस्वामी और संजय जायसवाल को उरुआ बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। केजीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने कहा जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी में है चुनौती, स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के बताए उपायों को अपनाने की है आवश्यकता। फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले ही बाजार सजकर हो गए हैं तैयार। बर्तन व्यापारियों और ज्वेलर्स ने रखे हैं नई किस्म के आइटम। बर्तन और सर्राफा व्यापारियों ने कहा डिस्काउंट और लकी ड्रॉ कूपन से कस्टमरों को मिलेगा स्पेशल ऑफर। जनपद में तेजी से कम हो रहा है राप्ती व घाघरा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित गांव में दिवाली तक पानी कम होने की व्यक्त की जा रही है संभावना। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।